जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनियर सादत कुशवाल जी हैं जो ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट से हैं और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन का। आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि हमारे जो लीडर हैं भूपिंदर सिंह जी जो कि जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के यूटी प्रेसिडेंट हैं और नेशनल कन्वीनियर भी हैं वो ऑल इंडिया पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के, उन्होंने एक कॉल दी है जम्मू चलो। अब जम्मू चलो का मकसद ये है कि हमने January 1, 2023 को यूम में स्याह मनाना है जिसको ब्लैक डे कहा जाता है। वो इसलिए कि जो हमारी सरकार ने 1/1/2010 से हमें पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको हमें महरूम कर दिया था उससे और हमें न्यू पेंशन स्कीम दी थी, हमें वो काबिल कबूल नहीं है। मुलाजम चाहता है कि उसको पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर ही रखा जाए क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसमें जीपी मुलाजम को कभी भी अगर कोई मजबूरी हालात में वो उसको कोई परेशानी है तो वो जीपी का इस्तेमाल कर सकता है। और उसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो जब कोई मुलाजम जो है बुज़ुर्ग बड़ी उम्र में चला जाता था तो उसके जो कुंभा परवरिश है वो अच्छी तरीके से होती थी, उसको जो है जो हमारी नौकरी जो हमने 35 या 40 साल सरकार को दी तो उसको बाद भी उसका जो कुंभा है वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकता था। आज ऐसा हुआ है कि न्यू पेंशन स्कीम ने हमसे वो चैन छीन लिया है। हमें जो है जब 35 या 40 साल हम सरकार को देते हैं उसके बदले 500 या 700 पेंशन दी जाती है, ये बड़ी शर्म की बात है। हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, हमें पूरी अपनी सेंटर की सरकार पे भी भरोसा है और हमारे यहाँ पे जो हमारे हिज एक्सीलेंसी जो है एलजी साहब बैठे हुए हैं हमें उन पे भी यकीन है कि हम ये सोचते हैं कि हम ये अगर बात उन तक पहुँचाएंगे तो आने वाले दिनों में हमें पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो दे देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपने देखा है कि 1 या 2 तारीख को हम जो एक बहुत बड़ा जो है सरकार के सामने जो है अपना इज्तिजाज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में और भी जो है नतीजे गलत हो सकते हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।